नाज़रीन कैसे हैं आप, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको आज फेसबुक का पार्ट टू देने वाला हूं, जिसमें मैं आपको पेज क्रिएट करने का तरीका बताऊंगा और वीडियो लेने का तरीका बताऊंगा। ठीक है, तो आपने वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना, स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, इसके 5 या 6 पार्ट में पूरी सीरीज बनाऊंगा, जिसकी मदद से आप फेसबुक से अनलिमिटेड पैसे कमा सकते हैं। तो वीडियो पूरी देखना, पूरी सीरीज देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करना मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो आप ये चेक करें कि मैंने एक कोर्स स्ट्रीम ऐड का कोर्स क्लास 1 आपको बताई थी कि मैं आज इंट्रोडक्शन देने वाला हूं, आपको ये थंबनेल में नज़र आ रहा है, थंबनेल भी टाइटल में नज़र आ रहा होगा, इंट्रोडक्शन वीडियो से। अब मैं आपको पेज क्रिएट करने का तरीका और उस पर पूरी उसकी सेटिंग करने का तरीका और उससे पैसे कमाने का तरीका, वीडियो लगाने का तरीका बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फॉलोवर और वाई टाइम कंप्लीट करने का तरीका सीखेंगे, उसके बाद मोनिटाइज करने का, उसके बाद अर्निंग लेने का एंड वीडियो रैंक करने के सब तरीके सीखेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या काम कर लेना, आपने अपना फेसबुक अकाउंट ओपन कर लेना। फेसबुक अकाउंट ओपन करने, तो सिंपली आपने फेसबुक अकाउंट ओपन करना है। फेसबुक अकाउंट ओपन करने के बाद आपने क्या काम कर लेना है कि आपने यहाँ पे आ जाना है, आपको एक पेज का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, पेज के ऑप्शन पे आपने सिंपली क्लिक कर लेना है। ये आपको पेज का ऑप्शन है, सिंपली आपने प्ले पेज के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो मैं आपको एक न्यू पेज क्रिएट करके बताऊँगा ज़बरदस्त तरीके से, प्रॉपर उसकी SEO सेटिंग करके बताऊँगा कि जिसकी मदद से आप अच्छा खासा रेवन्यू जनरेट कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप पेज क्रिएट करना चाहते हैं तो कपिल शर्मा शो, इंडियन आइडल, फिल्में एंड मूवी रिव्यूज़ के रिलेटेड शो के रिलेटेड एक पेज क्रिएट करें, इस पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। अगर आप जनवन काम करना चाहते हैं तो जनवन वाली वीडियो भी नेक्स्ट अपलोड की जाएगी कि जनवन तरीके से आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक इंटरटेनमेंट वाला ही पेज क्रिएट करेंगे, जिस पर हम इंटरटेनमेंट वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से ब्रश सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली आपने क्लिक कर लेना है, गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे सबसे पहले अपना पेज का नेम दे दें, पेज का नेम यूनिक सा ज़बरदस्त सा पेज का एक नेम दे दें। पेज का नेम देने के बाद मैं सिंपली पेज नेम दे देता हूँ, सबको आपको बताऊँगा। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है, मैं सिंपली कलेक्शन टीवी लिख लेता हूँ, कलेक्शन टीवी नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। और यहाँ पर आपने क्या सिलेक्ट करना है, मेन इंपॉर्टेंट बात है, तो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट कैटेगरी आप सिलेक्ट करें। मैं सिंपली इंटरटेनमेंट लिख लेता हूँ, यहाँ पे आपको बहुत सारे हैं तो मैं इंटरटेनमेंट लिख लेता हूँ, इंटरटेनमेंट नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। इंटर वेबसाइट, अगर आपके पास वेबसाइट है तो आप वेबसाइट को ऐड करें, वेबसाइट नहीं है तो आप वेबसाइट को ना ऐड करें। वेबसाइट है अगर आपके पास तो ठीक है, नहीं है तो सिंपली आपने यहाँ पे टिक मार्क कर लेनी है। यहाँ पे टिक मार्क करके सिंपली नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको ऐड कवर फोटो तो ऐड प्रोफाइल फ़ोटो अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा लें। तो बेसिकली मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा आप थोड़े टाइम के लिए ना लगाएं, जब तक आपका पेज मोनिटाइज के लिए रेडी ना हो जाए तो आप इसमें कोई चीज़ भी ना लगाएं, क्योंकि आपको पता होता है आप इतनी सेटिंग कर लेते हैं, अगर आपको कोई मसला आ ही जाए आखिर में तो आपको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो आपने सिंपली डन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। डन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका एक प्रॉपर पेज क्रिएट हो चुका है। अगर व्हाट्सअप नंबर देना चाहते हैं दे दें, तो नहीं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो सिंपली मैं कट कर लेता हूँ, यहाँ से कर लेता हूँ। यहाँ से देखें आपका पेज एक क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर सिंपली आपने क्या काम कर लेना है कि क्रिएट एक्शन बटन यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पे आपने फॉलो वाला बटन लगा लेना है। ठीक है, फॉलो वाला बटन आप क्रिएट कर लें। फॉलो वाला देखें कि समथिंग वेंट रॉन्ग, ये थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने फॉलो वाला बटन लगा लेना है। फॉलो वाला बटन लगाएंगे तो कोई भी यूज़र आएगा और आपको लाजमी से फॉलो करके जाएगा, फॉलो करके जाएगा तो उससे आपको फॉलोअर्स ज़्यादा से ज़्यादा गेन होंगे। ठीक है, तो आपने फॉलो वाला बटन लगा लेना है, सिंपली फॉलो के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर तो यहाँ पर फॉलो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्रिएट का एक ऑप्शन है, आप ऊपर देख सकते हैं क्रिएट का ऑप्शन। सिंपली आपने क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और आपका फॉलो बटन लग जाएगा। फॉलो का बटन लग गया, अब आपने क्या काम करना है, मेन इंपॉर्टेंट सुनने वाली बात तो ये थी, आपने जाना है यूट्यूब में। यूट्यूब में जाने के बाद आपने सर्च करना है इंडियन आइडल शो, कपिल शर्मा शो, जो भी आप लगाना चाहते हैं। मैं रेकमेंड करूँगा आप दोनों लगाएं, डेली एक वीडियो कपिल शर्मा की अपलोड होनी चाहिए और एक होनी चाहिए इंडियन आइडल की। आपने कपिल शर्मा की वेरी कॉमेडी, जिसमें बहुत ज़्यादा कॉमेडी हो, कोई बड़ा एक्टर आया हो, अक्षय कुमार, सलमान खान, इस तरह की एक वीडियो उठाएं। इंडियन आइडल में इमोशनल सीन उठाएं, ठीक है, 8 से 10 मिनट के इमोशनल सीन उठाएं। डेली 2 वीडियो अपलोड करें। एक बात लाजमी से याद रखना है कि अपने वीडियो को 24 घंटे के अंदर
या 48 घंटे के अंदर अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटे के अंदर अंदर अपने चैनल से रिमूव होनी चाहिए। 48 घंटे ऐसे अंदर अंदर अपने चैनल से वीडियो को रिमूव कर दें, क्योंकि आपको कोई कॉपीराइट प्रॉब्लम नहीं आएगी, इशू नहीं होगा। जब आपका पेज 40 से 50 हज़ार फॉलोअर हो जाए तो आपने पेज को अपना जर्मन कॉन्टैक्ट देके अपलोड करके अर्निंग करना शुरू कर देनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो होगी कि वीडियो प्रॉपर आपको मैं बना के एडिट कर, नेक्स्ट वीडियो में एडिट की जाएगी वीडियो और वीडियो को पेज पे अपलोड किया जाएगा। तो मैंने आपको बेसिकली समझा दिया, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपनी वीडियो को अपलोड कैसे करते हैं पेज पर, और उसको एडिट कैसे करते हैं, और उसके बाद उसको ग्रुप्स में शेयर कैसे करते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना नेक्स्ट वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।